नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा उपाध्याय। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्म चीता और गोविंदा जी की फिल्म दुलारा के बारे में, जो 1994 में आई थी। इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने ज्यादा की थी कमाई? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म चीता की। चीता फिल्म मिथुन चक्रवर्ती जी की एक एक्शन मूवी थी और ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पे आज भी इसके लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म की कमाई की, तो इस फिल्म में पहले दिन 0.30 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ये फिल्म 7 करोड़ रुपए कमाई थी। अगर अब बात करें फिल्म गोविंदा की दुलारा की, तो ये फिल्म भी एक कॉमेडी और एक्शन रोमांस से भरपूर थी। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, गुलशन ग्रोवर, रंजीत जैसे दिग्गज कलाकार दिखाई दिए थे। अगर बात करें इस फिल्म की कमाई की, तो इस फिल्म ने 0.29 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ये फिल्म भी 7 करोड़ रुपए कमाई थी और ये फिल्म भी उस समय की सुपरहिट फिल्मों में एक जाती है। लेकिन चीता और दुलारा में कमाई की बात की जाए तो चीता फिल्म आगे है। फिल्में दोनों सुपरहिट हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कौन सी फिल्म ने की थी ज़्यादा कमाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।